नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर अंकित आपका स्वागत करता हूं आनव क्रिएशंस में। आज मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, राइटिंग ऑनलाइन ऑडियंसेस। अपने ऑनलाइन जो ऑडियंस है या विजिटर्स हैं या कोई भी आपको विजिट करता है या सुनने वाला है या देखने वाला है, उनके लिए कुछ लिखना, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स याद हो सके, समझ आ सके। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग फॉर ऑनलाइन ऑडियंसेस। जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनके लिए लिखना। जब सामग्री बनाने की बात आती है तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं ऑनलाइन दर्शकों और ऑफलाइन दर्शकों के लिए लेखन के बीच। इस पाठ में हम कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करेंगे कंटेंट कॉपीराइटिंग के लिए, साथ ही साथ उपकरण का अन्वेषण करेंगे अपने दर्शकों के लिए आकर्षक विषय चुनने में आपकी मदद करने के लिए। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पढ़ने की आदतें ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के बीच बहुत भिन्न हो सकती हैं। शैली, लंबाई और संरचना जैसे कारकों के साथ जब लेखन की बात आती है तो सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न चैनलों के लिए अपने ऑनलाइन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको लिखने के तरीकों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी। लिखने के तरीके मतलब कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग। उदाहरण के लिए एक समाचार पत्र में एक लंबा लेख पढ़ने के दौरान सुखद हो सकता है। बहुपृष्ठ लेखों को ऑनलाइन पढ़ना निराशाजनक होने की अधिक संभावना है। हमेशा छोटा होना चाहिए कंटेंट आपका। इसकी वजह है ऑनलाइन पाठक। हम लगातार सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए मल्टीटास्क और जल्दी और कुशलता से ऑनलाइन डेटा का उपभोग करने की हमारी आवश्यकता हमेशा रहती है। हमें कम ध्यान देने वाले अंतराल के साथ जोड़ दिया जाता है हमेशा से, ताकि अपना लोडिंग टाइम कम हो। इसे ध्यान में रखते हुए सफल सामग्री लेखन के लिए यहाँ कुछ सर्वोत्तम अभ्यास दिए गए हैं। एक अच्छे हुक से शुरू करें जो पाठक को स्पष्ट रूप से समझाएं वे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लोगों को खींचने के लिए एक शानदार हुक या उद्घाटन वाक्य महत्वपूर्ण है। यह एक आंकड़ा हो सकता है, जैसे 60% लोग कहते हैं कि डॉग को पालना उनके लिए खुशी की बात है, या एक सवाल, क्या आप पिल्ला, मतलब डॉग का एक उसमें ब्रीड होती है पिल्लाज, फैशन में नवीनतम के साथ डेट कर रहे हैं, जो पिल्लेज होते हैं आपस में। सुनिश्चित करें कि जैसा आप लिख रहे हैं आप हमेशा अपने लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखते हैं, और ध्यान दें कि आप उन्हें एक पेशकश कर सकते हैं। उनकी आंखों के माध्यम से अपनी सामग्री को पढ़ने की कोशिश करें, और बहुत बिक्री नहीं होगी इसके साथ। आप अपने दर्शकों को शामिल करना चाहते हैं बहुत अधिक बिक्री संदेशों के साथ, उन पर बमबारी ना करें। एक और मूल्यवान टिप, कॉल टू एक्शन या CTA को शामिल जरूर करें ताकि उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाए। CTA एक वेबसाइट विजिटर को लुभाने के लिए तैयार किए गए संक्षिप्त विवरण है, एक विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए। इसीलिए आपको उन्हें यथासंभव रचनात्मक और प्रेरक बनाना चाहिए। यह अभी शुरू या आज साइन अप हो सकता है। अपनी रणनीति के लिए अपने CTA दर्जी और सुनिश्चित करें कि यह आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा या करता है इन फ्यूचर में भी। नियमित रूप से सामग्री बनाने का मतलब है कि प्रेरित रहना कठिन हो सकता है, इसीलिए यह आकर्षक विषयों के साथ आने के कुछ तरीके हैं। अपने प्रतिस्पर्धा पर शोध करके देखें कि वे किन विषयों को कवर करते हैं। जैसा कि आप शोध करते हैं संभावित विषयों की एक सूची रखें, और जब यह नई सामग्री पर मंथन करने का समय हो तो इसे देखें कि वह कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा उपकरण जैसे कि जनता को उत्तर दें आपको किसी विशिष्ट विषय या मुख्य शब्द में लिखने की अनुमति देता है, और कुछ सबसे अधिक खोजे गए प्रश्नों की सूची प्राप्त करें, उन शब्दों को शामिल करें। यह सामग्री विषय बनाने के लिए बहुत अच्छी है जो वास्तविक उपयोगकर्ता की मांग पर प्रतिक्रिया देता है। अन्य उपकरण आपको एक विचार प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक उपयोगी साबित हो सकता है। किसी विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए खोज कंसोल, सर्च कंसोल शामिल करें।
जो आपकी वेबसाइट खोजने के लिए लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली शर्तों को देखने में काफी मदद कर सकते हैं, और कीवर्ड प्लानर भी लगाएं जो आपको दिखाता है कि एक विशिष्ट शब्द के लिए कितने लोग खोज करते हैं और कैसे वो चलते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी लेखन शैली में सुसंगत हैं, ताकि जब पाठक आपकी सामग्री पढ़े वे तुरंत आपके ब्रांड या व्यवसायिक आवाज को इसके साथ जोड़ते हैं। आवाज का एक स्पष्ट और पहचानने योग्य स्वर अपने दर्शकों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करेगा और आपको प्रतियोगियों से अलग करता है इन चीजों का यूज करना। विशेषताएं लिखने का प्रयास करें, मतलब स्पेसिफिकेशंस। आप पाठकों को अपने ब्रांड के साथ जोड़ना चाहते हैं, जैसे ईमानदारी और उत्साह, और हमेशा इन गुणों को ध्यान में रखकर लिखें। लपेटने के लिए विचार करें कि लेखन शैली ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच कैसे भिन्न होती है। ऑनलाइन दर्शकों के लिए लिखने के लिए हमारी शीर्ष सुझावों की समीक्षा करें और विचार करें कि आप ऑनलाइन संसाधनों में कैसे टैप कर सकते हैं, नई सामग्री विचारों के लिए प्रेरणा पाने के लिए इसको कैसे कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।